सो वी हैव हियर एनिमेटियम बीएनएफ टीवी बादल एनिमे क्लाउड गलत निगस अरे तीनों नाम ले दिए यार तेवर व्लॉग्स मैन ऑफ कल्चर हाइलाइट्स कंफ्यूजन सो वी ऑल आर हियर इन मुंबई एंड वी आर गोइंग टू हैव टू ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ बिकॉज़ वी आर मीटिंग मकोतो शिंजाई हाँ ये सच है रजत और मुझे एज एनिमे टीएम और साथ ही बहुत सारे क्रिएटर्स को ये मौका मिला कि हम हमारी ऑल टाइम फेवरेट एनिमे मूवीज लाइक योर नेम और 5 cm/s के डायरेक्टर मकोतो शिनकाई से मिल सकें। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? तो लास्ट टाइम जब मकोतो शिनकाई इंडिया आए थे फॉर वेदरिंग विद यू तब उन्होंने कहा था कि वो अपनी अगली एनिमे मूवी के लिए भी इंडिया आएंगे एंड विद सुजुमे ही केम टू विजिट इंडिया अगेन एंड पीवीआर पिक्चर्स वांटेड टू मेक श्योर कि उनका ये विजिट पहले से भी ज्यादा ग्रैंड हो और इसमें और भी ज्यादा इवेंट्स हों जिसमें से एक इवेंट था क्रिएटर्स का मीट। तो थैंक यू सो मच पीवीआर पिक्चर्स जिन्होंने क्रिएटर्स की प्रेजेंस और उनकी इन्फ्लुएंस को एक्नॉलेज किया और मौका दिया कि हम खुद डायरेक्टर के साथ आमने सामने बैठकर क्वेश्चंस पूछ सकें। बहुत सारे क्रिएटर्स अप्रोच किया गया था जिनमें से हम भी एक थे तो हमने उठाए अपने बैग्स की बहुत सारी भागदौड़ी और प्रिपरेशन किसी तरह से हमने अपनी मुंबई की फ्लाइट पकड़ी और निकल पड़े अपनी जिंदगी के दो सबसे बड़े दिन जीने। अगर आपको याद हो तो हमने आपसे गूगल फॉर्म में मैसेजेस मांगे थे जो आप शिनकाई को इंडिया की तरफ से देना चाहो। सो आपने गूगल फॉर्म पे जो मैसेजेस सबमिट किए थे वी हैव शॉर्टलिस्टेड 50 आउट ऑफ देम एंड दीज आर रियली ब्यूटीफुल मैसेजेस गोइंग टू रीच शिनकाई इन दिस पोस्ट कार्ड लाइक फॉर्मेट। इनको हमने बढ़िया से एनवलप्स में डाला और साथ ही इलस्ट्रेटेड रामायण की एक कॉपी भी शिनकाई के लिए पैक की कस्टम स्टिकर्स और बुकमार्क्स के साथ। सो या यहाँ पर काफी मेहनत की और ये सब करके हम 19 तारीख को चल पड़े शिनकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। चलो बैटमैन क्या बैटमैन बोलो एक बार आई एम बैटमैन बैट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है क्या 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 वो कैसा है बचपन में मतलब मेरा और भाई का झगड़ा होता था ना तो मेरा हाथ पकड़े वो हमेशा ऐसा करता था तो वो बचपन से वो ये फ्लेक्सिबल है जॉइंट है ये वाला ऐसा मेरा भी अंगूठा थोड़ा पीछे जा रहा है जॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं ये देखो JW मैरियट इधर कल आना है 7-star होटल है इसमें खाना पीना भी हो सकता है क्योंकि बैंकेट हॉल उन्होंने बुक किया है तो अरे ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं शिनकाई मिल जाए बस करना क्या है तुम शिनकाई इसकी प्यास बुझा सकती है जैसे बोल रहे ना बस शिनकाई मिल जाए ये देखो कितने गंदे आदमी है भाई ये क्या हो रहा है लोली कौन का मतलब क्या होता है बादल मेरे को नहीं पता तो क्यों यूज किया वो शब्द कट जाना चाहिए एक बार सर्च करो लोली कौन क्या होता है रिजल्ट्स में बादल की फोटो क्यों आ रही है क्या लोली कौन सर्च करने में बादल की फोटो क्यों आ रही है तो मुझे नहीं जानना तो शिनकाई मिलने से कोई लोली कौन कैसे हो जाता है ये तो मुझे एक्सप्लेन करो नहीं मतलब तुमने जिस तरीके से बोला ना तो मतलब शब्दों के साथ हवस जुड़ के निकली थी हवस सुनने वाले की कानों में होती है क्यों क्रॉनिकल्स होती है कि नहीं पता नहीं हेलो सर क्या हाल है आपके कैसा लग रहा है धूप लग रहा है मेरी चमक से इनको धूप लग रही है हाँ भाई तुम ही चमक रहे हो भाई लिफ्ट में ओए ओए लिफ्ट एक बार बंद करो ओए ओए लिफ्ट बंद करो एक बार हाँ खोलो 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 क्या बात है मजा आ गया अरे 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 मेन विल बी मेन So we are at PVR Box, PVR Juhu and we have Vixer Biggest DP YouTuber of all time Guys, subscribe for not again Honor and welcome the acclaimed Japanese director and visionary animator
मिस्टर मकरू तो शिमका है, तालियां बजाएंगे। हमने जाकर अपनी जगह ली, सेटल डाउन हुए। अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें हमारा कोई खास काम नहीं था, लेकिन कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वहाँ मूवी में इन्वॉल्वड लोग आते हैं। सो ये एक अपॉर्चुनिटी थी शिनकाय जो बोलेंगे वो सुनने की और बहुत सारे लोगों से मिलने की। शिनकाय हमारे सामने थे, सुजुमे की मांगा का जस्ट हमारे पीछे बैठी थी, उसके पब्लिशर्स यानी कि कोदांशा के लोग भी बिल्कुल हमारे साइड में बैठे थे। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स एंड को क्रिएटर्स बैठे हैं, सब मजे में है। एंड देन देयर इज this sudden moment of detachment and I am wide awake. I realized that I am not as happy or as excited as I should be. I am not feeling like what I should be feeling like. Like there is a certain sadness that follows everywhere. चाहे मैं कहीं भी हूं, चाहे कितनी भी बड़ी चीजें हो रही हूं, it just never leaves. And as I was thinking all of this, कहीं से एक question उठा, इस चेयर के सिर्फ तीन ही पैर क्यों हैं? एक पैर कहाँ गया? To which Shinkai said this. But I think all of us have three legs in one way. Suzume, she's gone through a lot. She's feeling a lot. She's not complete. It's not perfect. But even without a perfect life, you can run happily on three legs. You can do a lot. You can do enough. That's the message of the film, and I hope I was able to convey it through this three-legged fellow. Thank you for asking. Thank you. Not only his movies, but what he says also makes an impact. And this kind of settled down whatever was going on in my head. Ki theek hai, whatever is missing will always be missing. Whatever I am feeling, I am bound to feel. I cannot change it, but I can still live this monumental day and have fun regardless. And humne aisa hi kiya. Hum mile Kodansha ke logon se, Jujutsu Kaisen ke producers se, Japan Foundation aur PVR ke logon se. And no matter koi kitna bhi bada tha age ya position mein, unhone bahut hi politely aur friendly baat ki. Itna zyada ki it was hard to believe ki main itne बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ। वहाँ से फिर हम गए सोहो हाउस, जहाँ बहुत ही प्रीमियम प्राइवेट स्क्रीनिंग हमने एंजॉय की और जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो क्रिएटर्स की रेस्पेक्ट करता है। बहुत अच्छी जगह और अरेंजमेंट थी, हमने मूवी एंजॉय की विद गुड फूड एंड ड्रिंक्स एंड हैड अ ग्रेट टाइम विद ऑल द क्रिएटर्स टुगेदर। दारू बाज आदमी छेद में मुझे कह रहा था पीने को, मैं पिया नहीं गाइस। आज शिनकाय से मीट है। अरे आप 500 का पहनो चाहे 100 का, आप पे सब सही लगेगा। आज अपन लोग शिनकाय से मिलेंगे पर्सनली। अबे ऑटोग्राफ के लिए कुछ लाए हो क्या? छाती सब्सक्राइब टू एनिमेटीएम टॉक्स और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस भी देख लिया करो यार। मीट बादल। हेलो भाई, हेलो भाई, मैं पीजू भाई से मिलने आया था। पीजू भाई तो मिले नहीं। हम लोग शिनकाय सर से मिलने बम्बई आए, शिनकाय सर तो अभी मिले नहीं, अभी मिलेंगे थोड़ी देर में। अंदर गए थे, हमको भगा दिया उन्होंने भाई। यही ऑटोग्राफ लूंगा मैं। सभी क्रिएटर्स को रूम में बिठाया गया, शिनकाय भी वहां पर आए और हमको उनसे एक एक क्वेश्चन पूछने का मौका मिला, क्योंकि शिनकाय काफी डिटेल में आंसर कर रहे थे, जिसमें मैंने ये पूछा, हैज इट ब्रॉट एनी काइंड ऑफ चेंज इन योर क्रिएटिव प्रोसेस? ご指摘のように、確かに僕の過去の作品はちょっとこうメランコリー、悲しい、エンディングのものが多くて、まあ、この10年ぐらいは、とても前向きな映画になっていると自分でも思います。そうですね、僕がその例えば僕の過去作品で代表的なものは秒速5センチメートルという作品なんですけど、あの作品を作っていた頃は僕はこう日常生活というものがそのままずっとこのまま続くんだというふうに考えていました。それはこうボックスオフィスの、ね、こう大きな興行収入を得るために方向を変えたというよりは、まあ、ある出来事がきっかけで僕は自分の作品が変わったというふうに自分で感じています。So that's a really interesting point that you raised, because the answer to that is that I'm a different person now. The person, the version of me that existed that time, I used to think that every day is going to be normal. So I used to take small incidents from my normal life and make a little movie out of it. Now I'm the sort of person who knows that anything can change anytime. Life is unpredictable. And then I try to create movies that help you cope and to help you find hope within that uncertainty.
ध्यान देना कि कैसे शिनकाय होपफुल लाइफ आउटलुक को अपने वर्क के थ्रू स्प्रेड करने की बात कर रहे हैं। एंड आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि सुजुमे रियली मैनेज टू डू इट सो वेल, बट मुझे बात के लिए पुश कर दिया गया। फिर बारी बारी से सबने क्वेश्चन पूछे। आई कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हायाओ मियाज़ाकी-सान। इज सुजुमे एंड सम अदर ऑफ योर वर्क्स इंस्पायर्ड फ्रॉम मियाज़ाकी-सान्स सिग्नेचर स्टाइल? はい、あ、そうですね。あの、いや、正しいですね。僕は宮崎駿の影響をすごく強く受けていて、スズメの中にもその影響がどうしても出てしまっているところがあるかもしれない。例えば、その、まあ、魔女の宅急便という、ね、キキズ・デリバリーという宮崎さんの作品がありますけど、その主題歌をこの映画の中でも使っています。でも、うん、でも、その、ですから僕は宮崎さんに憧れてはいるんですけど、同時に宮崎さんからなるべく遠く離れたい、宮崎さんとは違う作品を作りたいと同時に思っている。एंड फिर कहीं लास्ट में जाकर मुझे मौका मिला कि मैं अपने दिल की बात बता सकूं, और वो बात बताने के अलावा मैंने बाकी सब कुछ कह दिया। एवरी टाइम जो सबसे ज़रूरी बात होती है मैं वही क्लियरली नहीं कह पाता हूं। मुझे शिनकाय से कई तरह की चीज़ें जाननी थी, एज अ क्रिएटर, एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ राइटर, जिनमें से काफ़ी मैं जान पाया और काफ़ी नहीं भी जान पाया। बहुत कॉमन सी फीलिंग है, लेकिन किसी से भी मिलकर हमेशा ऐसा ही लगता है कि बस थोड़ा और टाइम, थोड़ा और नॉलेज, थोड़ा और एक्सपीरियंस। आई कुडंट ग्रीट हाउ आई वॉन्टेड टू ग्रीट यू। आई स्टिल हैवंट सेड सो मैनी थिंग्स एंड इट इज स्टिल नॉट एनफ। जैसा मैंने इमेजिन किया था ये टाइम वैसा नहीं गया, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारी इमेजिनेशन जैसा ही टर्न आउट हो। मुझे जितना मिला वो काफी है और बहुत कीमती है। किन्हीं भी दो लोगों का आपस में मिलना और एक जगह साथ आकर कुछ वक्त बिताना इज नथिंग बट अ रेयर फ्लीटिंग मोमेंट। एंड अगर उन दोनों में से एक आदमी शिनकाय हो तो इट इज लाइक अ मिरेकल, अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। क्या पता वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और जब आएंगे तो हम कहाँ होंगे। क्या पता वापस से ये संजोग बनेगा या नहीं बनेगा। हु नोज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। ऑल आई नो इज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शिनकाय के साथ इंटरेक्ट कर पाऊंगा, हाथ मिला पाऊंगा, साथ खड़े होकर फोटो खिंचा पाऊंगा और उनको इस तरह प्यार भरे फैन लेटर्स और गिफ्ट्स दे पाऊंगा। उनके अलावा भी मैं बहुत सारे लोगों से मिला। कुछ ने मुझे स्पेशल फील कराया और कुछ ने विदाउट एनी रियल बेनिफिट हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। पीपल आई नो थ्रू यूट्यूब, सम फैंस जो हमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, सम क्रिएटर्स हु शेयर सिमिलर काइंड्स ऑफ फीलिंग्स एंड स्ट्रगल्स, एंड सम फ्रेंड्स फ्रॉम वर्क हु हैव बीन मोर देन गुड टू मी। ऑल अमेजिंग पीपल। सो नो मैटर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ आवर्स गो मिसिंग इनटू द अननोन वर्ल्ड एंड नो मैटर हाउ मिजरेबल लाइफ मे सीम एट सर्टेन पॉइंट्स, बट देयर इज स्टिल सो मच टू लिव एंड एक्सपीरियंस आउट देयर। मे बी रियलिटी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम अपने दिमाग में कल्पनाएं बनाते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से खराब है। बिकॉज इफ लाइफ कैन बी स्ट्रेंजर देन योर ओन वर्स्ट ड्रीम्स, देन इट कैन ऑल्सो बी बेटर देन योर ओन बेस्ट एंड वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस। So thank you so much Shinkai for your amazing work and for visiting India and for meeting us, for making something happen that I never thought was possible in my life. I just for once want to say it clearly that Suzume was able to make a difference and pass on hope, and so do you with your very existence and the way you carry yourself. We really really love you. Please visit India again. बोलो बोलो क्या बात है, मजा आ गया।